तो कह रही भाई एक रिक्वेस्ट समझ लो भाई के तौर पे या कुछ भी, कि मेरा पार्ट डिलीट करो और एक अपोलॉजी की वीडियो डाल दो। तो गाइस कैरी मिनेटी के रोस्ट वीडियो के बाद से रजत दलाल उनके ऊपर भड़के हुए हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बना करके कैरी मिनेटी को रिप्लाई भी दिया था। लेकिन अब रजत दलाल ने यूट्यूब पर भी एक वीडियो बनाया है जहां पर उन्होंने कैरी मिनेटी को रिप्लाई दिया है और बहुत सारी बातें उस रोस्ट वीडियो को लेकर के और कैरी मिनेटी को लेकर के अपने ब्लॉग वीडियो में बात की है। तो क्या क्या कहा रजत दलाल ने, चलिए मैं आप लोग को उनका ब्लॉग वीडियो दिखाता हूँ। भाई मेरे को तो खैर लोगों का समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। भाई मेरे को किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा, मैं आराम से अपनी शांति से जीवन बिता रहा हूं। आउट ऑफ नोवेयर वीडियो बना के डाल दी, बहुत दिनों से शांत हूं कि हाँ चलो कुछ पीछे गलतियां हुई हैं तो दोबारा से चीजें ना उभरे। अभी तक जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उनमें कुछ ना कुछ लेना देना था मेरा उन लोगों के साथ जिनके साथ कुछ हुआ था। पर अब ये कैरी ने जो वीडियो डाली है, ना मैंने इसको आज तक कुछ बोला, ना मेरा लेना ना देना, ना पुराना कोई कलेश। तो भाई अगर आप आउट ऑफ नोवेयर आके डिफेम करोगे किसी को, तो आपके पास फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात है, जरूरी थोड़ी है ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पे हो। तो भाई ये चीजें नहीं चलने वाली। और आज तक अगर किसी ने आपको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करा और आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो ये चीज गलत है। बहुत अच्छा रहेगा सही तरीके से चीजें निपटा दी जाए, क्योंकि भाई देखो मैं इतना लिख के ले लो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने आपको कुछ नहीं कहा तो मैं बस मेरा स्टैंड लूंगा। अगर मेरे पार्ट पे कुछ गलत होता कि हाँ भाई चलो ये चीज गलत है, तो मैं सोचता कि हाँ हो सकता है मैंने कोई गलती करी हो। पर इसका मतलब ये नहीं है भाई किसी के पास फॉलोवर है तो वो उठा के किसी पे भी रोस्ट मार देगा। मैं भी एक आदमी हूं, मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं, मेरी भी अपनी मानसिक स्थिति है कि मैं खुद के बारे में कैसा सोचता हूं। कोई ऐरा गहरा आके वीडियो बना के अपने खाली व्यूज के लिए मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बहुत अच्छा रहेगा, इंसान के बच्चे की तरह समझ जाओ। ज्यादा से ज्यादा भाई क्या कर लोगे, केस डाल दोगे डाल दो, जेल में करवा दोगे करवा दो, कभी बाहर नहीं आऊंगा क्या? पॉइंट नहीं है भाई, पॉइंट नहीं है। लोगों को लग रहा है स्क्रिप्टेड कॉन्ट्रोवर्सी या इसका मेरा कोई कोलैब आने वाला है, तो भाई मेरा कोई इस भाई के साथ कोलैब नहीं आने वाला। और मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे मुंह से कोई गाली वाली ना निकले, क्योंकि निकलती है तो फिर वो फ्लो में जाती जाती है। तो कैरी भाई एक रिक्वेस्ट समझ लो भाई के तौर पर या कुछ भी, कि मेरा पार्ट डिलीट करो और एक अपोलॉजी की वीडियो डाल दो। पूछ के कर लेते कोई दिक्कत नहीं थी, हर्ष बेनीवाल ने वीडियो डाली थी उससे पहले पूछा था कि हाँ भाई बना रहा हूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मजाक मस्ती करना अलग चीज है भाई, अगर मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तू मेरे को चपरी बोल रहा है, मेरे को तो पहली बात ये पता नहीं चपरी है क्या चीज। चलो अगर मान लो हम हो भी, तो तू कौन है भाई बोलने वाला? अगर तेरे को लगता होगा तेरे प्रशासन में बहुत जान पहचान है, बहुत पहुंच है, टाइम आने पर हम वो भी देख लेंगे और अपनी भी दिखा देंगे। पिछली बार कुछ गलतियां हुई हमसे, लोकेशन डाल दी, टाइम डाल दिया, जिसके चक्कर में हम उठ गए। हर बार थोड़ी होगी भाई, हर बार थोड़ी होगी। लिखवा के ले लो, जितने भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये वो है और ये वो है, चाहे मेरे को एक महीना लगे चाहे एक साल लगे, मैं गोडे टिकवा दूंगा, किसी भी हद तक जाना पड़े मेरे को मंजूर है भाई। मैं वापिस से बोल रहा हूं कि मेरा लेना देना नहीं था, अगर आप मेरे बारे में कुछ उल्टा डालोगे तो मेरे पार्ट पे भी भाई कुछ ना कुछ काउंटर में आएगा। अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस बियर कर सको पूरे अच्छी तरह से, तो आप वेल एंड गुड है, आप आगे भी कुछ करो। अगर नहीं करते तो मेरा पार्ट ट्रिम करो, घर से बाहर जाओगे, कहीं जाओगे, घूमोगे फिरोगे, बातचीत तो भाई हम कभी भी कर सकते हैं ना। लड़ाई पंगे की तो मैं बोल ही नहीं रहा कि मैं भाई ये करूंगा वो करूंगा, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूंगा। पर कहीं तो आप मेरे को मिल सकते हो ना, मुंबई में, गुजरात में, फरीदाबाद में, मैं आपसे सामने से पूछ सकता हूँ ना, हाँ भाई क्या दिक्कत है। आप भी मेरे को मिल सकते हो, मैं भी अगर कुछ गलत करूंगा मैं 10 लोगों को मिल सकता हूँ। तो भाई वो चीजें मत करो कि दो इंसानों के बीच में दिक्कत बने। व्यूज लो, व्यूज खाओ, और जगह से खाओ, यहां से खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से व्यूज खाओगे ना तो चीजें बहुत खराब हो सकती है। ना तो इसमें कोई जाति धर्म का लेना देना है, ना किसी और का लेना देना है, बात इसकी और मेरी है सिर्फ, जो कि इस भाई ने शुरू करी है, और मैं चाहता हूं ये अपने पार्ट में खुद से खत्म कर दे, वरना कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो देखो यार हर इंसान करता ही है। मेरे पार्ट पे भी कुछ होगा, काउंटर में ये करेगा, काउंटर में मैं करूंगा, काउंटर में ये करेगा, वो ऊपर वाले के हाथ में है कि ऊपर कौन निकलेगा। तो भाई फिलहाल इतना ही है, उम्मीद करता हूँ चीजें अच्छे नोट पे खत्म हो, ना हमें कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़े ना इन्हें। तो भाई सारे भाइयों को राम राम। तो यहाँ पर गाइस रजत दलाल ने जो कुछ कहा इसको लेकर के आप लोग के क्या ओपिनियन है कैरी मिनेटी और रजत दलाल की कंट्रोवर्सी में, आप लोग किसको सपोर्ट करते हो, आप लोग किसके साइड से हो, आप लोग हमें आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।